तुम जैसा नहीं दलित साहित्य में, कि आप जैसा नहीं दलित साहित्य में आज कोई स्वाभिमानी, वह सब कर दिखलाया जो भी थी मन में ठानी। तुम जैसा नहीं दलित साहित्य में आज कोई स्वाभिमानी, वह सब कर दिखलाया जो भी मन में ठानी। छोटा हो या बड़ा सभी को गले आप लगाते थे, भाईचारा कायम कर कड़वा मीठा बतलाते थे। छोटा हो या बड़ा सभी को गले आप लगाते थे, भाईचारा कायम कर कड़वा मीठा बतलाते थे। मान गए तुमको यहाँ सभी दलित साहित्य के ज्ञानी, और तुम जैसा नहीं दलित साहित्य में आज कोई स्वाभिमानी, आज कोई स्वाभिमानी। क्या क्या कह रहा उन्होंने, रेडियो टीवी हिंदी अकादमी में काव्य पाठ करवाते, ये हकीकत बात है। उनके बाद से ये जो परंपरा है वो खत्म सी हो गई है, क्योंकि वो हट जाते थे हर सुबह से, हर साल, चाहे 14 अप्रैल हो या रंडा जयंती हो, यानी किसी न किसी मौके पर दूरदर्शन पे और रेडियो में। तो रेडियो टीवी हिंदी अकादमी में काव्य पाठ कराते थे, इसलिए शासक प्रशासक तुमसे ही सब घबराते थे, यानी कोई उनकी बात को टालता नहीं था। करना पाया कोई सम्भव मानव अपनी मनमानी, तुम जैसा नहीं दलित साहित्य में आज कोई स्वाभिमानी। और पुस्तक है कि जाटव जागृति भीम भारती अच्युतानंद ऊधम सिंह बल जानी, ये पुस्तक है मेरी। जाटव जागृति भीम भारती अच्युतानंद ऊधम सिंह बल जानी, संविधान के शिल्पकार हृदय सम्राट जगजीवन राम के आर नारायण सा ज्ञानी, के आर नारायण पे भी उन्होंने पुस्तक लिखी। संत शिरोमणि गुरु रविदास मेरी लंदन यात्रा राजप्रिया साथ फेरों की भेड़िया है कहानी, तुम जैसा नहीं दलित साहित्य में आज कोई स्वाभिमान। छुटपुट लेख पत्र पत्रों में कविताएं अनगिन छपी नहीं, छुटपुट लेख पत्र पत्रों में कविताएं अनगिन छपी नहीं, खुद भीम के प्रबल समर्थक, छुटपुट लेख पत्र पत्रों में कविताएं अनगिन छपी नहीं, खुद भीम के प्रबल समर्थक गागर में सागर की कमी नहीं, भारतीय दलित साहित्य मंच के संस्थापक महामंत्री, यानी जब तक ये मंच रहा तो उसके संस्थापक महासचिव रहे, अध्यक्ष तो बहुत सारे बदल गए लेकिन वो संस्थापक थी और महासचिव भी रहे, और यही कारण था कि ये मंच चलता रहा निरंतर। भारतीय दलित साहित्य मंच के संस्थापक महामंत्री तेरी अमिट निशानी, तुम जैसा नहीं दलित साहित्य में आज कोई स्वाभिमानी। बीडी सुजात शिष्य तुम्हारा, बीडी सुजात शिष्य तुम्हारा, निस्तिन ही ध्यान धरे तेरे पद चिन्हों पे चलकर, सत सत बार तुम्हें नमन करे, सत सत बार तुम्हें नमन करे। एलएन सुधाकर डॉक्टर कुसुम योगी और सम्मानित साथियों, हमारे जो मित्र हैं सभी को माफ करना मेरी नादानी, तुम जैसा नहीं दलित साहित्य में आज कोई स्वाभिमानी, आज कोई स्वाभिमानी, आज कोई स्वाभिमानी। सुन के ने मोम कि इस कुल के अदालत भी ना तुझको बढ़ाते थे, किसी कुल के अध्यापक भी ना तुमको पढ़ाते थे, और ऊंची ऊंची समझ करके तुझे बाहर बिठाते थे, और ऊंची समझ करके तुझे बाहर बिठाते थे। पीड़ा है पीड़ा से था है बैल बल, सुन के नैनों में आ जाए जल, मेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल, कि सारे दिन स्कूलों में भी बालक क्या सांभरता था, सारे दिन स्कूलों में भी बालक क्या सांभरता था, एक एक बूंद पानी को तू तो यूं ही तरसता था, एक एक बूंद पानी को तू तो यूं ही तरसता था, क्या सा मन था भाई क्या तुम, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और देखिए अगला वन कितना बेहतर है, कभी बाबाई
का चौदह भारतन चौदह और चौदह डिग्री पढ़ ली मिली नाम सारे जहां में किया चौदह डिग्री पढ़ ली मिली नाम सारे जहां में किया भारत में भारी हलचल सुन के ने नो में आ जाए जल कि महान के तालाब पर भी नीर हमको मिलाया था कि महान के तालाब पर भी नीर हमको मिलाया था और नासिक प्रवेश भी हमको दिलाया था नासिक काला राम मंदिर में प्रवेश भी हमको दिलाया था और संघर्ष मई है सबका सैनिक दल सिर के दिनों में आ जाए जब भाई सबका सैनिक दल का सिपाही उसकी संघर्ष मई है सबका सैनिक दल सुन के दिनों में आ जाए जल और कि जाति भाद छुआ छात ने भी मन को भारी सताया था और हिंदू हो के मरुना नहीं नागपुर में कर दिखाया था हिंदू हो के मरुना नहीं नागपुर में कर दिखाया था और पौत्र धर्म का दे गए संबल सुन के नैनों में आ जाए जल तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल और इतने कष्ट यातना सहने के बाद भी के कामों फिर भी भीम बाबा आप मन गिनत कर गए काम फिर भी भीम बाबा आप मन गिनत कर गए और जो भी आने की काली थी भीम बाबा उन्हें मर गए भर गई और क्या आरक्षण दे समस्या की हल सुन के नैनों में आ जाए जल तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल जब तक चंदा सितारे ये कहानी है तेरी अमर जब तक चंदा सितारे ये कहानी है तेरी अमर और पीढ़ी आए पड़ेगी तुझे तब तक कुछ पे करेंगी फकर पीढ़ियाँ पढ़ेंगी तुझे तब तक कुछ पे करेंगी फकर और सुजात तुझे पहले के भी तमल सुन के नैनों में आ जाए जल तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल ये भी जलाए